एंड गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम टू माई चैनल इन माई पैराडाइज तो थम डेल देख करके आप ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे तो शुरुआत करते हैं हम इसकी क्लीनिंग के साथ ये बास्केट मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दी थी, थी गार्लिक सोक करके रखने थे और पोटैटो को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था हमने बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट भी किया था तो उसके लिए अच्छे से क्लीनिंग करना घर की बहुत ही ज्यादा जरूरी था तो मैं हर चीज को एक फ्रेश चीज एक फ्रेश लुक देना चाहती थी तो इसलिए मैंने हर जगह की शीट्स को चेंज कर दिया था जैसे डाइनिंग एरिया का ये कवर था इसको मैंने चेंज करके एक फ्रेश शीट बिछा दी इसके ऊपर और इस रूम की बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी हमने डिसाइड किया था कि हम सेलिब्रेशन जो है इसी रूम में करेंगे डेकोरेशन वगैरह और इस रूम की बेडशीट को भी मैंने चेंज कर दिया था पूरे घर की कर दी थी मैंने अच्छे से डस्टिंग मोपिंग और क्लीनिंग पूरा घर मेरा ये बिल्कुल हो चुका था अच्छे से फ्रेश और ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास इसलिए मैं फटाफट कर रही थी इसके बाद मैं चली गई हूँ ऊपर छत पे इन प्लांट्स को मैंने सुबह ही पानी दे दिया था देखिए कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं इसमें ये वाला फ्लावर तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए और जो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में इसकी भी मैं फटाफट से क्लिनिंग कर लूँगी और क्लॉथ्स पड़े हुए थे कुछ अलमारी में रखने के लिए और ये प्लांट्स इनको भी मैंने सुबह वाटरिंग कर दिया था अच्छे से और अब इसके बाद मैं जा रही हूँ शार लेने के लिए और मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो ज़्यादा हैवी नहीं पहन सकते क्योंकि किचन में भी काम करना है और अभी जून चल रहा है बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है ज्यादा हैवी कपड़ों में सारे कपड़े मैंने हैंड वॉश करके फटाफट से शार ले लिया था और ये मैं हो गई हूँ रेडी और अब हो गया था जहर की नमाज का वक्त तो जहर की नमाज को पढ़ करके हमने कर लिया था लंच और अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे जो मैंने पोटैटो बॉईल करने के लिए रखा हुआ था वो अच्छे से ठंडे हो चुके थे और इनको मैंने निकाल करके अच्छे से पील ऑफ कर लिया और उनको कट कर लिया स्क्वायर साइज में काफ़ी बिग साइज़ में इसके हमें बिग साइज़ ही चाहिए होते हैं अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ इन्ग्रीडियंट्स जैसे सॉल्ट पिंक सॉल्ट याद रहे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें सॉल्ट कहीं ऐसा ना हो कि सॉल्ट ज़्यादा हो जाए और फिर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं कश्मीरी रेड मिर्च और ये ब्लैक पेपर पाउडर वाइट पेपर पाउडर क्यूमिन पाउडर और अच्छे से भर के इसमें मैं डाल दूंगी बढ़िया चाट मसाला फ्रूट चाट मसाला और इसमें एक हाफ लेमन मैं स्क्वीज करके डाल दूंगी और फिर फाइनल इसका है कि इसको मिंट लेफ जरूर डालें इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छे से मिला करके इसको थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए रख दें ताकि इसके ऊपर अच्छे से मसालों की कोटिंग हो जाए अब जो गार्लिक मैंने सोक करके रखे थे इसको फटाफट से पील ऑफ करके मैंने इसका मिक्सर ग्राइंडर में एक फाइन पेस्ट बना लिया है और इसको इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दिया है और यहाँ पर मैंने उड़द की दाल को सोख करके रखा था दही बड़े बनाने के लिए तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है हमें इसका बैटर ज़्यादा थिक नहीं करना है अगर ज़्यादा थिक है तो इसको वाटर ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को आप पतला कर सकते हैं ये पतला रहता है तो ही इसके जो बड़े बनते हैं बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरा और इसको अच्छे से फेंक दूंगी फिर एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके मैं इसको एक एक करके फ्राई कर लूंगी याद रहे ऑयल गरम होना चाहिए अगर ठंडा होगा तो वो नीचे जा कर के चिपक जाएगा इसलिए आप अपने तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लें बिल्कुल हीट हो जाना चाहिए और फिर इस तरह के जब ब्राउनिश उसका कलर आ जाए कुछ ब्राउनिश उसके ऊपर कोटिंग आ जाए तो आप उसको निकाल लें अलग कंटेनर में और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं देखिए इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ये आप कोई सा भी पीस ले लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं रीज़न बस यही है कि हमें इसका जो बैटर है वो थोड़ा पतला बनाना है हार्ड बैटर लेंगे तो उसके बड़े बहुत हार्ड बनते हैं तो अब मैं ले रही हूँ फ्रेश दही एक बड़े कंटेनर में अब मुझे इसका बैटर तैयार करना है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा रेड चिली पाउडर अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स लें और सॉल्ट डाल दिया मैंने उसमें व्हाइट और उसके बाद पिंक सॉल्ट भी ऐड कर दिया है और लास्ट में डाला है शुगर शुगर से जो इसका टेस्ट आता है बहुत ही खट्टा मीठा सा बहुत ही अच्छा आता है अब राई की हेल्थ से मैंने इसको अच्छे से मत लिया है और सारे बड़े उसमें डाल करके थोड़ी देर सोख कर दूंगी और फिर मैं इसको फ्रीज कर दूंगी ये हो गया है मेरा रेडी और अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मेरा चिकन तो मैंने ऑयल ओल हीट करके उसमें सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं और उसमें ऑनियन और ग्रीन चिली ऐड करके उसको अच्छे से ब्राउन कर लिया है ब्राउन करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च इसको इसी स्टेज पर डालती हूँ मैं क्योंकि इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा निकल करके आता है अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भर करके और जिंजर गार्लिक पेस्ट क्योंकि मेरी चिकन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है सिक्स के है अच्छे से भून लेने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट अब अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट और सारे इंग्रेडिएंट्स डालें टर्मरिक पाउडर कोरिंडर पाउडर और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर पाउडर और जीरा और लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन मसाला और इसको अच्छे से भून लेने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है थ्री फोर टमाटो स्लाइसिस कट करके और अच्छे से इसको रख दिया है ढक के पकने के लिए जब तक मेरा ये मसाला भून रहा है अगली तरफ मैं बना रही हूँ कबाब तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने चिकन बोनलेस चिकन को बारीक बारीक काट करके और इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया है साथ में मैंने ग्राइंड किया इसके साथ ग्रीन चिली और इसको मैंने अलग कंटेनर में रख दिया इसमें ऐड कर दिया मैंने बारीक चॉप्ड ऑनियन और कोरिएंडर और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर सॉल्ट ब्लैक पेपर पाउडर जीरा पाउडर और मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया था वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई है आप ज़रूर डाल लीजिएगा और फिर रेड चिल्ली का पाउडर डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया और हाथ से इस तरह का लॉन्ग शेप दे करके मैंने एक एक करके सारे कबाब अपने तैयार कर लिए हैं अब बस इनको फ्राई करना बाकी है और यहाँ पे मेरा मसाला भुन चुका है तो इसको मैं बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी और उसमें सारे जो चिकन है उनको डाल करके अच्छे से मिक्स करके इसको पकने के लिए रख दूंगी और जब तक ये पक रहा है अगली तरफ मैंने नॉन नौ, स्टिक फ्राई पैन में ऑयल डाल करके अच्छे से हीट कर लिया और एक एक करके मैं अपने सारे कबाब को यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ इनको डीप फ्राई करना है तो ये हो चुके हैं डीप फ्राई और इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है तो अब ऐसे करके सारे कबाब को मैं फ्राई करके और मैंने निकाल लिया है इसको अलग कंटेनर में अभी इसके साथ एक स्टेप और करना है और यहाँ पे मैंने लगा दिया है बघार अपने प्लाव में इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करी है क्योंकि एक साथ बहुत सारी रेसिपी रेसिपी आपको कंफ्यूज कर देगी तो यहाँ पे मेरा चिकन हो गया है रेडी और इसको मैं फिर डाल रही हूँ इसके बाद हरा धनिया फ्रेश और आटा भी लगा करके रख लिया है मैंने अब इसको क्लीन क्लॉथ से कवर करके रख दूंगी ताकि ये हार्ड ना हो जाए और पुलाव में मैं डाल रही हूँ फूड कलर और इसके बाद मैंने डाला है कुछ क्रिस्पी और क्रंची ऑनियन्स और इसका लुक बहुत ही अच्छा आ गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसके बाद फिर हमने जो पोटैटो मैरिनेट करके रखे थे उसको एक एक करके मैंने सीख में डाल लिया है और इसको मैं अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लूंगी ये इसका फाइनल स्टेप है इससे इसका जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा निकल करके आता है और सारे मसाले की कोटिंग इसके ऊपर बहुत अच्छे से चिपक जाती है और ये हो गए हैं मेरे सारे चटपटे आलू तैयार और बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया है वो खेल रहे हैं बलून के साथ और फिर इसके बाद सेम प्रोसेस हमें इस चिकन कबाब के साथ करना है इनको भी सीख में डाल करके मैंने हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से रोस्ट कर दिया है इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही इन्हांस हो जाता है पूरे घर में बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसकी और इस तरह से सेकने से के बाद ये मेरे तैयार हो गए हैं चिकन कबाब और स्टार्टर की ऑलमोस्ट पिपेशन सारी हो गई है ये है मेरे चटपटे आलू और यहाँ पे रखे हैं मेरे चिकन कबाब और ये टेस्टी दही बड़े चिकन भी मेरा हो गया है रेडी और पुलाव भी हो गया है रेडी ऑलमोस्ट सारी डिनर की प्रिपरेशन हो गई है और गेस्ट भी आना शुरू हो गए हैं ये है मेरी छोटी वाली ननद और अभी बाकी गेस्ट नहीं आए हैं तो तब तक मैं बना रही हूँ रोटियां ताकि गेस्ट के साथ फिर टाइम स्पेंड कर सकूँ और डेकोरेशन जितनी हो सकती थी हमने उतनी कर दी और यहाँ पे सारे बच्चे मिलके कर रहे हैं फुल ऑन धमाल इतना शोर शराबा हो रहा था घर में इतना मज़ा आ रहा था और केक को हमने रख दिया है सेंटर टेबल पे क्योंकि अब हम केक कट करने वाले हैं और जो ये सेंटर में खड़े हैं ये मेरे फादर इन लॉ है आज इन्हीं का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी घर के सभी मेंबर को हम इकट्ठा कर रहे हैं एक कमरे में ताकि केक कट कर सके और यहाँ पे मेरे बच्चे अपने दादा दादी के साथ कर रहे हैं केक कट बच्चे इन मामलों में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं और सभी बहुत खुश हैं एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और साथ ही साथ उनको उनकी लाइफ के लिए बेस्ट विशेष भी दे रहे थे लोग सही कहते हैं ना कि खुशियाँ हमें हर लाइफ के स्टेज में मनानी चाहिए खुशियां मनाने के लिए हमें किसी उम्र का इंतजार नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ की हर स्टेज को खुल करके जीना चाहिए क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिलती है बार बार नहीं अपनों का प्यार जो होता है वो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है तो बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके साथ उनके अपने हैं और सभी बच्चे पूरी तरह से एन्जॉय कर रहे थे सभी लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया स्टार्टर देने के बाद हमने सबको यहाँ कोल्ड ड्रिंक सर्व करी थी और बच्चे भी अपनी अपनी ड्रिंक ले करके घुस गए थे अपने टेंट में और ये वहां घुस करके पी रहे थे और इसके थोड़ी देर बाद हमने सबको सर्व कर दिया था डिनर और सभी लोगों ने अच्छे से डिनर किया उसके बाद मैंने उनके लिए रखा था सरप्राइज प्रेजेंटेशन जिनमें उनकी सारी ओल्ड पिक को एज अ पीपीटी बना करके मैंने उनको प्रेजेंट किया था सभी लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं और यहाँ पर खोला जा रहा है उनका गिफ्ट देखिए मेरी बेटी कितनी जल्दी पड़ी है उसको गिफ्ट खोलने की और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में सारे बर्तन ऐसे ही मेरे वॉश नहीं किए थे अभी मैंने और फ्लोर भी क्लीन करना था तो इसी के साथ होता है मेरा ये व्लाग ख़त्म अगर आपको मेरा ये व्लाग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माय चैनल तब तक के लिए खुदा हाफिज़